कांड के बाद चौबेपुर थाना पुलिस इस कदर सहम चुकी थी, घटना के 60 दिन पूरे होने और अंतिम आरोपी की गिरफ्तारी के बाद हवन पूजन का सहारा लेती हुई चौबेपुर थाना पुलिस दिखाई पड़ी है। मंगलवार को सुबह से पुलिस कर्मियों ने थाने में शुद्धिकरण के लिए हवन पूजन करवाया। थाने में पूजा पाठ को लेकर पूरे क्षेत्र में चर्चा शुरू हो गई, वीडियो वायरल हो गया। हालांकि पुलिस अधिकारी इसे सामान्य हवन पूजन करने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें, 2 जुलाई की रात हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए बिकरू गांव में दबिश देने गई पुलिस टीम पर हुए हमले में सीओ समेत 8 जवान शहीद हुए, 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। ये घटना देश दुनिया की सुर्खियां बन गई। हमले के मुख्य आरोपी विकास दुबे और उनके सहयोगियों की तलाश में यूपी पुलिस जुट गई। 7 दिन के अंदर एसटीएफ और पुलिस की टीम ने मुख्य आरोपी विकास दुबे समेत 8 आरोपियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। 35 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। बीते कल पुलिस ने इस मामले में आखिरी आरोपी रामू बाजकई को गिरफ्तार किया। देश दुनिया में सुर्खियां बटोर चुका बिकरू कांड, इस कांड में चौबेपुर थाने की पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध मिली। एसओ रहे विनय तिवारी, हल्का इंचार्ज रहे के शर्मा के संबंध विकास दुबे से उजागर होने के बाद मुकदमा दर्ज कराया गया, दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद थाने के अन्य पुलिस कर्मियों की मिलीभगत सामने आने पर दरोगा और सिपाहियों को भी जांच के बाद निलंबित कर दिया गया। इस तरह जांच में भूमिका संदिग्ध देखकर पूरा थाना सस्पेंड करके नई तैनातियां की गईं। नया स्टाफ थाने में काम कर रहा था। बिकरू कांड को लेकर लगातार शासन से लेकर प्रशासन तक उच्च अधिकारियों मिलीभगत सामने आ रही थी, पूछताछ का सिलसिला जारी था। कांड में थाने का स्टाफ भी सहम गया। अब बीते कल आखिरी आरोपी की गिरफ्तारी और घटना के 60 दिन पूरे होने के बाद स्टाफ ने थाना परिसर में हवन पूजन कराया। इसमें सभी पुलिसकर्मी शामिल रहे। धार्मिक अनुष्ठान थाने की शुद्धिकरण के लिए कराया गया। सुबह जब थाने में हवन पूजन की जानकारी हुई तो लोगों में भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। देखते ही देखते हवन का ये वीडियो जंगल में आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गया। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।